पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मुरादाबाद और आसपास के जिलों में ठंड अपने पूरे शबाब पर है। वहीं गुरुवार को मुरादाबाद में पूरे सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मुरादाबाद, शिमला और मसूरी से भी ठंडा चल रहा है। गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। ठंड से ये असर पड़ा है कि कारोबार बिल्कुल है ही नहीं, कोई काम ही कराने नहीं आ रही है ठंड की वजह से। ठंड अगर कम हो तो कोई काम कराने भी आए, समझे। स्थिति बहुत ख़राब है काम की। 4-5 दिन से तो अवर हो रहा है, सूरज ही नहीं निकला, कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा। वहीं यहां सर्द हवाएं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं। इस स्थिति को देखते हुए महानगर वासियों को कुछ दिन और इन हालात से निजात मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में इस बार अपेक्षा के अनुसार कड़ाके की सर्दी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन नए साल की शुरुआत से ठंड ने जोरदार वापसी की है। वहीं सर्दी ने जनवरी महीने के पहले ही दिन से जो असर दिखाना शुरू किया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड भाई साहब बहुत ठंड पड़ रही है, ये काम नहीं हो रहा ठंड में, 8-10 दिन होगा दूर निकले हुए। जी ये काम बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशानी सामना है, समझे नहीं, बहुत बहुत ठंड पड़ रही है, काम बिल्कुल नहीं है, बहुत बिल्कुल नहीं है, सुनना पड़ी है रोड पे वो बोल रही है। वहीं शुक्रवार को भी मुरादाबाद महानगर में सूर्य के दर्शन 2 बजे के बाद ही हो पाए। लगातार तीसरे दिन धूप ना के बराबर निकलने से जहां महानगर वासी घर में दुबक कर बैठने को मजबूर हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा फैला हुआ है। लोग बहुत मजबूरी में ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत बटोर पा रहे हैं। ठंड की वजह से बहुत असर पड़ा है, सब्जी वब्जी नहीं बिक रही, कोहरे की वजह से पब्लिक ले ही नहीं रही है, हमारे कारोबार की वजह से बहुत कम पड़ा है। कितने बजे निकलते हैं सुबह? सुबह निकलते हैं 9 बजे। अच्छा, 9 बजे का ये हाल है, आप देख लीजिए कितना सामान बचा पड़ा है। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अगले 3 दिन तक मौसम कुछ इसी तरह रहने वाला है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से कम दर्ज होंगे। कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है, ठंड बहुत पड़ रही है भैया, सूरज तो कई दिन हो गए निकले हुए, बहुत ज़्यादा ठंड है, बस दिन बराबर रहता है। साल 2023 की शुरुआत ठंड से हुई है। पहले ही महीने और पहले ही हफ्ते में ठंड ने इस कदर कहर ढाया है कि रोज़मर्रा के काम करने और मजदूरी करने वालों की हालत खस्ता है। लोहे का काम करने वाले हों या रिक्शा चालक, सब्जी वाले हों या फिर और कोई ठेला लगाने वाले, उन सब के कारोबार पर असर पड़ा है। कारोबार क्या है? कारोबार सुबह से शुरू होकर शाम को ख़त्म होता है, यहाँ दोपहर से शुरू होकर 1 घंटे में कारोबार ख़त्म हो जाता है, जिससे रोज़मर्रा की कमाने वाले और रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीने वालों के साथ जीवन यापन करने में समस्या हो रही है। कभी कभी सूरज देवता अपने दर्शन देते हैं और कभी कभी नहीं, इसकी वजह से लोगों को समस्याएं जरूर हो रही हैं। अब देखने ये होगा कि सूरज देवता अपनी कृपा कब तक बरसाते हैं और इस ठंड से राहत कब तक मिल पाती है। अपना सहयोगी शांतनु रॉय के साथ मैं शारिफ खान, आईएनएन न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।